आज के वीडियो में बात करेंगे, आज मार्केट ने इंट्राडे में किस तरीके का मूवमेंट दिखाया, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो क्या एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला या फिर मार्केट कंसोलिडेट किया, क्या ऑप्शन बायर के लिए आज मार्केट था या फिर ऑप्शन सेलर की, किसने आज पैसे बनाए, इसके अलावा कल का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, एवरीथिंग डिटेल में आगे बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है और ये भी डोजी। ओके, आज मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन हुआ था 20 पॉइंट के आसपास का, बट आप देखोगे ना गैप अप ओपन हुआ था बट सस्टेन नहीं किया, ठीक है, बहुत बड़ा मूव इसने नहीं दिखाया। आप देखो तो यहाँ पे क्या है, बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ, मींस की मार्केट होल्डे क्या था, आज बेयरिश रहा, इस चीज को ये बताता है, मींस की गिरावट देखने को मिली। बट आपको ले चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे एग्जैक्टली आज इसने किस तरीके का मूवमेंट दिया। थोड़ा दोस्तों इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, हमने आपको क्लियरली कहा था जो ओपन जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, गैप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद हमने कहा था आपको यदि ये 19,850 यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है देन फर्दर यहाँ से 19,900 जा सकता है, और सस्टेन नहीं करेगा देन यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऐसा हमने आपको कहा था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, थोड़ा सा ऊपर गया ओके, बट सस्टेन नहीं किया, और यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है वो कितना है, 19,841 का, मीन्स कि पहले ये बैक हो गया, ठीक है, पूरा 850 भी नहीं गया, उससे पहले बैक हो गया, और यहाँ पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया इवनिंग स्टार, मीन्स कि ये क्या किया, बहुत देर के बाद आपको आफ्टर 30 मिनट इसने कंफर्मेशन दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, बहुत नीचे ये नहीं आया, बहुत छोटा सा मोमेंट इसने लगभग 25 पॉइंट के आसपास का मोमेंट दिखाया, ओनली 25 पॉइंट के आसपास का मोमेंट दिखाया, फिर मार्केट आप देखोगे यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट गया था, होल डे बस ऐसे ऐसे मूव किया, मीन्स कि कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। जब मतलब हाई और लो की बात करेंगे तो इस कैंडल का आप हाई देख सकते हैं, जो डे हाई था कितना था, 19,841 का, और डे लो की बात करें तो यही मॉर्निंग का लो ही क्या था, लो था आपका 19,773 का। आप खुद ही देखो कितना छोटा सा मूवमेंट हुआ होल डे, तो क्या ऑप्शन बायर ऐसे में पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मीन्स कि मार्केट जिस तरीके से एक्सपायरी हो रहा है एवरी डे, तो अब मार्केट देख के ऐसा लग रहा है कि ओनली ऑप्शन सेलर का हो गया, सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए बन गया है, ठीक है। मीन्स कि ऑप्शन बायर यदि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक ना करे, अपना एंट्री पॉइंट सही ना रखे और एग्जिट टाइम पे नहीं करे तो पैसे नहीं बन सकते, ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए आप लोग से बोलना चाहूंगी यदि आप नेकेड कॉल या पुट बाई करते हैं तो एक तो प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करना सीखिए, इसके अलावा आप ऑप्शन बाई ना करके ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगेगा बट उसमें आपको इस तरीके का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन में आपका अच्छा पैसा वहाँ पे बन सकता है। चलिए बात करें कल के लिए, कल निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आवर्ली टाइम फ्रेम में 30 मिनट पे यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, होल डे बस वही सेम है, कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे इसने फर्दर पैटर्न फॉर्म भी किया था बट इसका क्या हुआ, कंफर्मेशन नहीं आया था, ठीक है। तो 19,800 ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मीन्स कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यदि ये कंटिन्यू सस्टेन करता है इसके ऊपर 19,800 और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक करता है, मीन्स कि 19,825 के आसपास, ठीक है, 19,820 इसके ऊपर जैसे ही गया तो ये हो सकता है आपको यहाँ से क्या करे, आज का हाई ब्रेक करते हुए ये 19,850 और 19,970 से दोस्तों यहाँ देखना 19,000 दोस्तों निफ्टी कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है, तो यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट क्या किया, एक रेंज में ट्रेड करवाया, मूवमेंट दिया है। ओके, यहाँ पे इसने एक पैटर्न फॉर्म किया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बट कन्फर्मेशन नहीं दिया, तो कल क्या हो सकता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और सस्टेन करता है 19,800 इसके ऊपर, देन चांसेस है कि ये क्या करेगा, ऊपर में ये लेवल, ये क्या है दोस्तों, एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया 19,000, यहाँ देखिएगा 820 से 19,830, यदि ये फ्लैट ओपन होता है, सस्टेन करता और ऊपर जाता है, ओके, और इसको ब्रेक करता है देन फर्दर यहाँ से 19,850 से 19,870 और इसके ऊपर सस्टेन किया तो 19,900 भी जा सकता है, जो गैप है
डेली टाइम फ्रेम पे उसको ये फील कर सकता है अपसाइड में। सेकेंड थिंग, यदि सस्टेन नहीं करता है और ये लो ब्रेक होता है 19,000 दोस्तों यहाँ पे 773 का, ये लो ब्रेक करता है देन फर्दर यहाँ से नीचे आएगा और नीचे ये जो गैप है इस गैप को फील कर सकता है, मीन्स कि यहाँ से 19,700 तक आ सकता है, तो आपको एक सेलिंग का मौका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखते हैं ओपनिंग कैसी होती है, क्या फ्लैट ओपन यहीं पर होता है या फिर गैप ओपन कहाँ पे अबव दिस रेजिस्टेंस, हो सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट गैप ओपन हो जाए या फिर दोस्तों सपोर्ट के नीचे, ये सपोर्ट ब्रेक करके इसके नीचे यहाँ पे भी मार्केट ओपन हो सकता है। ठीक है, तो जैसी भी ओपनिंग होगी यदि गैप ओपन होता है, ओपन हाई सेम रहा तो शॉर्ट सेल का मौका मिलेगा, यदि यहाँ बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यदि यहाँ पे गैप में ओपन करता है यहाँ पे देखिएगा बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगी आप लोग लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना ना भूले एवरी डे मॉर्निंग में 8:30 AM ओके 8:30 से 9:14 लेते हैं और आफ्टर प्री ओपनिंग मॉर्निंग का सेशन कैसा रहेगा उसको बिल्कुल अपडेट यहां पे करते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना ना भूले, वहां पे काफी आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी आज किस तरीके का मूवमेंट दिखाया, तो यहाँ पे दोस्तों एक अगेन आपको बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाना चाहूंगी और यहाँ पे देखो एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, मींस कि बैंक निफ्टी इतना बड़ा क्या है वैल्यू है इसका, फिर भी इसने जो मूवमेंट दिखाया ना ओनली 180 पॉइंट के आसपास का, अब सोचो 44,600 का इसका वैल्यू है, इसने ओनली 180 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखाया, मींस कि ऑप्शन बायर क्या करेगा वो तो मर ही जाएगा बेचारा। ठीक है, क्योंकि आपको बस ये ट्रैप किया है। अब थोड़ा सा ले चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आज हुआ क्या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप ओपन देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक गैप ओपन देखने को मिला था, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे अपसाइड में 44,700 ये क्या था रेजिस्टेंस था, और डाउन साइड सपोर्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कहाँ था दोस्तों 44,600 और इसके नीचे 44,500 से 44,550 ये था सपोर्ट। ओके, मार्केट ओपन हुआ, गैप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से बैक आ गया। ठीक है, और होल डे ऐसे कंसोलिडेट करता रहा, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसने देखो जो तेजी से ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे फास्ट मोमेंट में जो कैप्चर किए होंगे उनको तो मिला होगा, आपने यदि सपोर्ट के पास में एंट्री किया तो ये आपको यहाँ पे मिला होगा 100 पॉइंट इजिली मिल गया, बट जिसने कैप्चर नहीं किया उसको इसने सिर्फ एक मौका दिया था, वो भी आपको बताना चाहूँगी कहाँ पे, तो ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने क्या किया था, बियरिश हरामी एक पैटर्न फॉर्म किया था, ये अकॉर्डिंग टू दिस लो ब्रेक हुआ, कन्फर्मेशन मिली, फिर ये रिट्रेसमेंट के पास में गया, यहाँ से इसने 100 पॉइंट का ओनली ये मूव दिया, ये मूव कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, तो इसने ये मूव एक ही दिखाया था बस एक, जिसमें आपको 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। ठीक है, अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे बैंक निफ्टी में, कल ये कैसा मोमेंट दिखा सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया, यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल क्या है ट्रायंगल है, मीन्स कि कल यदि ये 44,600 इसके ऊपर फ्लैट ओपन हुआ और 44,600 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, और आज का जो हाई है उसको ब्रेक करके फर्दर यहाँ से ये 850 देखो ये हाई कितना है 44,000 लगभग ये आपको 700 पास का है। ठीक है, यहाँ पे 6 दोस्तों ये हाई कितना है 691 का ये हाई है, तो यदि ये इसके ऊपर सस्टेन करता है देन कोशिश करेगा इस हाई को ब्रेक करने का, और ब्रेक करने के बाद ये फर्दर क्या करेगा 44,800 से 44,850 का हाई भी दिखा सकता है, क्योंकि जैसे ये 44,700 ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिल सकता है, यदि सस्टेन नहीं किया और डाउनसाइड ये ब्रेकडाउन देता है देन फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, तो कल के दिन हो सकता है ये आपको क्या करेगा ट्रेंगल का ब्रेकआउट इफ ब्रेकडाउन दिखा सकता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें कुछ स्टॉक के बारे में जिसमें कल के दिन अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी यहाँ पर रिलायंस के बारे में, क्योंकि रिलायंस में काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये देखो रिलायंस का स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट H4 का। ओके, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है लंबे टाइम फ्रेम पे, ये क्या है आपका बियरिश है। ओके, बट स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये बुलिश हो गया है, यहाँ पे देखिएगा इसने आज रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया है। ओके,
यहाँ क्या किया है, रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है। मीन्स कि यदि ये 2340 ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये एरिया, ये यहाँ पे हो सकता है एक बार ब्रेक किया, हाई ब्रेक हो गया, एक बार हो सकता है यहाँ पे आए, तो यदि ये 2337 से 2340 कहीं भी आता है, आने के बाद एक बुलिश कन्फर्म करेगा, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ऊपर जा सकता है। ओके, कहाँ तक, तो ये दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक 2385 से 2390 तक ये जा सकता है, एक बार ऊपर भी, तो इसको आप लोग कल के लिए रार पे रख सकते हैं। यदि ये 2337 के नीचे गया देन फिर ये बियरिस हो जाएगा, और आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इस पर क्या है, ये बियरिस है, यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से इसने क्या किया, एक बाउंस बैक दिखाया है। तो यहाँ पे इंट्राडे में बस आप ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनली नहीं करना है। इसके अलावा बात करेंगे BPCL के बारे में, यहाँ पे दोस्तों BPCL में भी बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म है, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए BPCL का चार्ट, यहाँ पे रीजन क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखो आप डाउन ट्रेंड लाइन, यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि दोस्तों कल के दिन इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे देखो आप डाउन ट्रेंड लाइन के साथ साथ में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी है। यदि आज का हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, देन फर्दर यहाँ से ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से 360 से 365 का हाई दिखा सकता है, तो कल के लिए इसको आप रडार पे रख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में, वो है दोस्तों इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का आज क्या हुआ, रिजल्ट आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी इन्फोसिस का चार्ट, देखो थोड़ा सा यहाँ देखो ये क्या है, सपोर्ट के पास में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। लास्ट आवर में क्या हुआ, आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है। और ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मीन्स कि यहाँ से उठाया गया है, मतलब यहाँ पे बाइंग आई है। ओके, अब देखो कल यदि मार्केट कहीं पे भी फ्लैट ओपन करता है इस एरिया में, कहीं पे भी यहाँ से कहीं पे भी फ्लैट ओपन करता है, या फिर ओपन लो सेम करे, या यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म करे, तो आज का जो लो है ये होगा SL, और यहाँ से आप बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट, कहाँ पे 1490 से 1500 यहाँ तक ये जा सकता है। ओके, तो कल के लिए आप इन्फोसिस को रेड पे रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने बताया है ओनली एनालिसिस है, कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको ट्रेड करना होगा, खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, देना आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।